ये देखिए लोसल 26, कुचामन 65, किशनगढ़ 168, सिंगरावट 28, डिडवाना 61, नागौर 165, बाड़बोर 490, जैसलमेर 485 और जोधपुर 305। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं धोध रोड पे और यह हमने आपको एक साइन बोर्ड दिखाया हुआ है। धोध यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है और यह देखिए एक लाइट चमकते हुए मंदिर पे, भोलेनाथ का मंदिर है, बालाजी का, जय श्री बालाजी, बालाजी की तस्वीर लगी हुई है। तो ये है सर सुबह का जीवन, काफी समय के बाद में हम आपसे जुड़ पाए हैं। श्री वीर हनुमान बालाजी मंदिर धूणा, श्री सुखदेव बाबा संतोषपुरा, ये है सर संतोषपुरा। संतोष की प्राप्ति होते हुए सुबह सुबह बहुत ही प्यारा अनुभव। और के ऊपर थोड़ा सा क्या पानी गिरा हुआ है, तो आज लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है सुबह सुबह बारिश हुई है, थोड़ी बूंदाबांदी का असर है इस जगह पे। तो मजा आ गया भाई, हम कोशिश करेंगे नेतड़वास का ग्राम का आज विजिट आपको कराएंगे और नेतड़वास के अंदर देखते हैं कौन मिलता हमें और वापस जो है हमारी प्रक्रिया परंपरा शुरू करते हैं। हम दुर्घटना संभावित क्षेत्र है इसलिए साइकिल को हमने धीरे कर लिया है। आप भी जब भी अपना वाहन लेके आए उसको स्लो कर लें। बड़ा ही अच्छा, विकास की दौड़ निरंतर गति पकड़ते हुए सड़क के दोनों तरफ भूमि को निजी बिल्डर्स के द्वारा वाप किया गया है ताकि वह इस पे कुछ निर्माण कार्य कर सके। चिड़ियों की आवाज और सतत नेतड़वास की तरफ अग्रसर होते हुए पहले तो आएगा आपका ये है कासली, उसके बाद नेतड़वास, वहां से कंवरपुरा रोड पकड़ेंगे और वापस सीकर, वापस सिटी यूटर्न। हसीन वादियां, सीकर शेखावाटी, सुबह का जीवन, 1 फरवरी 2024। थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है सर, बड़े ही सुंदर देखिए आम के पेड़ है, झुरमुट, बहुत ही प्यारा सा फॉर्म हाउस विद आम, फॉर्म विद आम, इसलिए हमें प्यारे लगते हैं क्योंकि जब आप अगर अकेले जब चल रहे होते हैं ना सड़क पे, केवल आपका अगर कोई साथ देता है तो यही है। बड़े बड़े पेड़ देखिए छाया भी देते हैं। खाती नाड़ा मंदिर महादेव का और पूरा, ये देखिए कुछ नंदी गऊ, ये देखिए किसी ने भाई साहब बड़ी बड़ी मूली डाली, इनको मूली देखिए अब वाइट कलर की पड़ी हुई है मूलियाँ नीचे। धन्य भाई साहब, ये कृषक बहुत अच्छा यार, इनका देखिए पशुओं के प्रति प्रेम है। सुबह का जीवन, जब हम कासली ग्राम के अंदर एंटर करेंगे, ये देखिए कासली ग्राम की सीमा, इसके जस्ट 3 किलोमीटर आगे फिर नेतड़वास के लिए क्रॉस रोड आएगा। यह भी एक बड़ा प्यारा सा गांव है, विकसित का गांव बहुत ज़्यादा यार ये। हमें बहुत जो है फौजी भी हैं और एक अपने आप में मतलब सेल्फ सफिशिएंट और रेस्पेक्टफुल छवि इस गांव की यहाँ के निवासियों ने बनाई है। यह आगे हमारे धोध रोड पर स्थित श्री सोमोलाई बालाजी सांवरिया सेठ मंदिर एवं सोमोलाई बालाजी धाम। तो जय श्री बालाजी, ये सब यहाँ गौशाला भी है। हाँ सुबह सुबह के दर्शन, दर्शन देव, दर्शन दो ईश्वर, चलते रहो भैया। अब आने वाला है हमारा वह क्रॉस रोड जहाँ से हम नेतड़वास जाएंगे, नेतड़वास से वाया कंवरपुरा होते हुए वापस सीकर रिटर्न करेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहेगा आज। अब यहाँ से धोध रह गया है केवल और केवल 7 किलोमीटर माय डियर फ्रेंड्स, और हमने दूरी तय कर ली है शिकारी कुत्ता शिकार पे। वाह, शिकार करते हुए शिकार। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों दुर्घटना संभावित क्षेत्र, और जो आप लोगों की प्रेरणा से और जो मेहनत का जो हमें एक जज्बा प्राप्त होता है, मेहनत करने का जो एक जुनून जो हमारे अंदर आता है भीतर, उसी का ये परिणाम है कि हम अब पहुंच गए हैं उस क्रॉस रोड पे जहां से देखिए धोध 6 किलोमीटर्स है, नागवा लेफ्ट में जाओगे तो 3 किलोमीटर्स और नेतड़वास राइट में जाओगे तो 3 किलोमीटर्स। तो अपनी दिशा यह रहेगी राइट साइड, और इस क्रॉस रोड से ये राइट निकल गए हम, चलते रहिए भाई साहब नेतड़वास ग्राम के अंदर। कुछ खाना बदोश परिवार, सुबह का जीवन बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। देखिए निकलोगे जब एक साइकिल लेकर, चलते रहिए, बने रहिए डीपीएसपी के साथ।
जय हो हमारी ये जो साइकिल देवता है, साइकिल देवता जो हिम्मत बनाए रखे, अगर पंचर नहीं हो ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं यार, चलते रहिए। बस इसमें एक ही अच्छाई है, ये मेड इन चाइना है। अब इसको आप अच्छाई माने बुराई माने, लेकिन अब जो है लेके तो आ जाती है यार बहुत दूर तक, लगभग 2 किलोमीटर बचा भाई साहब। चलते रहिए सुबह की दुनिया, हसीन दुनिया, शेखर शेखावाटी की दुनिया। पीछे आप सूर्य देवता को देख सकते हो, निकल चुके हैं बाहर भाई साहब, देखिए गोला, एक ये गोला जो है गोला सूर्य देवता का गोला, बहुत ही प्यारा गोला। चलते रहिए नेत्रवास, चलते रहो सबकी, चलते रहो सबकी, चलते रहो सबकी, ये गाना है ना सब, वो आगे एक कृषक समृद्ध कृषक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि उनके घर में बड़े बड़े पेड़ होते हैं भाई साहब, छायादार फलदार और जलाऊ लकड़ी के लिए भी। हाँ, पानी की टंकी, वाह। चलते रहिए भाई साहब, चलते रहिए, बने रहिए। और सुखद अनुभव प्राप्त करें, वाह एयर कंडीशनर लगाओ भाई साहब इसमें, चिकित्सालय है क्या ये? अच्छा अच्छा ठंडा पानी, ये भारत निर्माण राजीव गांधी के, जय सियाराम बाबा जी। बहुत प्यारा गांव है यार ये तो, धन्य गांव है, धन्य। चलते रहिए, देखते रहिए, बड़े बड़े बगुले टाइप के भाई साहब ये एनिमल्स हैं, देखिए कौवे भी हैं यहाँ पे, कुछ क्रो, इनको कुछ मिल गया यार खाने को, देखिए आप, वाह। अरे ये तो कौओं की कॉलोनी है यार, वाइट वाले जो बुगले हैं, वाह। एक्चुअली लकड़ी में कोई छोटी मोटी दीमक टाइप की चीज़ होती है, वो खा रहे हैं सभी। तो ये देखिए सर, जो स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता होती है, ऐसा नहीं कि सब शहरों के अंदर ही है, गांव में पूरे खेतों में और घरों में कार्य करने के पश्चात भी जो लोग भाग है ना, इस तरह की इच्छा रखते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। तो सर नेत्रवास के आप हैं, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इसका जो नामकरण है ना गांव का, ये कैसे पड़ा है नेत्रवास? नेत्रवास सुना ऐसे भाई, वो पहले नेत्र जाति नेत्रवास के, नेत्रवास की कोई जाति ऐसे, अच्छा अच्छा उसके हिसाब से नाम पड़ा है। तो अभी भी वर्तमान में भी वो लोग यार रिवास करते हैं यहाँ पे? नहीं अभी कोई नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत पुराना नाम है ये, बहुत पुराना नाम है। आपको भी इस चीज का, चलिए सर तो ये है, देखिए हम कुछ खोजने की कोशिश भी करते हैं। तो आप क्या करते हो सर? मैं जलगांव में रहता हूँ। जलगांव महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। अच्छा 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 ओके, वहाँ बिल्डरशिप का काम करता हूँ। किसका सर? बिल्डर। ओके ओके ओके, चलिए सर बहुत बढ़िया। बारिश वारिश इस बार वो मावट वगैरह नहीं हुई, दिक्कत हो रही? नहीं उधर नहीं हुई, नहीं अपने इधर भी नहीं हुई ना, अभी यहाँ भी काम हुई आपको तो इधर जाना ही। पर फसल को कितना नुकसान होने के चांस है यहाँ वैसे? तो का तो नहीं होएगा नुकसान है। अच्छा चलिए सर, ठीक है सर, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये है सर हमारे नेत्रवास के एक निवासी, जिनसे हमने जानकारी ली कि भाई नेत्रवास ग्राम का नाम जो है वो किस प्रकार से नामकरण उसका हुआ था। तो इनको जितने अनुमान है वो आपने हमें बताया। चलते रहिए सर, अब ये कुछ युवा बैठे हैं बकरियों को लेके भाई साहब, देखिए ये कच्ची सड़क, ये सर देखिए बना लिया कुछ खाना, दोस्त परिवार है यार। ये जो आपकी जो बकरियों की जो नस्ल है बड़ी यार शानदार है, ये क्या यही की है, लोकल है कहीं नागौर वागौर साइड की? नहीं नहीं ये देसी है, देसी है। अच्छा अच्छा, ये इतने की हाइट है, आप इसको क्या मतलब चारा वारा बढ़िया खिलाना पड़ता होगा यार, ये तो बहुत महंगा पड़ता होगा आपको। फल्ली का लियोड़ है छोटा। अच्छा पहले के लिए हुए हैं क्या? चलो चलो चलो, आप क्या काम करते हो? ये गढ़ाई का धंधा करते हो? गढ़ाई का ही करते हो आप, खुद ही करते हो क्या? पर यार आजकल तो इतना काम जो है मतलब लोग बाग कराते नहीं है ना, तो अभी रेडीमेड जाकर बेच देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काम सही है क्योंकि आजकल रेडीमेड बहुत सारा सिस्टम हो गया है कि भाई चाइना चुईना सूरे बहुत अबलागी चीज़ें यार। तो भाई इन लोगों से चीज़ लिया भी करो और बनवाया भी करो यार, दोनों काम करना चाहे जाए ना, आप इनसे बनवा भी सकते हो और ले भी सकते हो। चलो थैंक यू यार, धन्यवाद भाई साहब। तो ये देखिए कि भाई अगर जैसे मान लीजिए परंपरागत जो धंधे हैं, जैसे मान लो इनके लोहारों के जो थे कढ़ाई वढ़ाई का, तो अब लोग बाग कम करवाते हैं यार, शहरों में रहते हैं तो क्या रेडीमेड सस्ता आ जाता है, और हालांकि उसमें वो मजबूती तो नहीं होती, बट फिर भी इन लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव डेवलप किया है कि ये लोग जो है उसको सामान और
बना बनाया खरीद के भी सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, अपने अपने यार सिस्टम्स हैं लोगों के। ये नेतलवास ग्राम के अंदर हम एंटर कर गए सेंट्रली। जय सियाराम भाई साहब। प्रोपराइटर हमीद खान नेतलवास। वाह, चलते रही है, चलते रही। ये है नेतलवास ग्राम। हम पहले भी आ चुके हैं बट कभी चर्चा लोगों से करी नहीं। आज देखते कोई मिलेगा तो। और यहाँ से फिर कमरपुरा होते हुए यू टर्न करके हम वापस सीकर चलेंगे। कमरपुरा हमने आपको दिखा रखा है पहले। ये स्वच्छ ग्राम नेतलवास, देखिए स्वच्छ ग्राम लिखा है इसमें, बहुत प्यारा यार। ये है ग्रामीण जीवन, ग्रामीण बसावट ग्राम नेतलवास की। और यह लगभग सीकर से 15 किलोमीटर दूर है। कुछ जर्जर मकान, बहुत ही प्यारी, प्यारा अनुभव, एक सुखद शांत अनुभव। चलते रहिए, देखते रहिए, बने रहिए। ग्राम नेतलवास अति सुंदर सीमेंटेड सड़क, टाइल्स की सड़क भी कहते हैं इसको, टाइल्स इंटरलॉक। लगभग सभी जगह इनका निर्माण किया जा चुका। ये रविंद्र पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेतलवास, ये भी कोई प्राइवेट स्कूल है। अच्छी बात है यार, देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की स्कूल्स यहाँ बन चुकी है। भव्य मकान, एक बच्चा स्कूल जाते हुए। टेंथ में पढ़ते हो क्या आप? वेरी गुड। कौन सी क्लास में बेटा? 10th। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो। ये आगे हो रहा है या बंद हो गया गाँव यार? आगे है। ये देखिए आप हनुमंत हाउस। अरे ये तो बहुत बड़ा गांव है, इस दिशा में तो हम कभी आए ही नहीं। वाह, अब ये कच्ची सड़क आ गई इधर से। एक डोगा बंदा हो, यू टर्न करेंगे गहराइयों तक। डीपीएसपी की साइकिल गोते लगाते हुए, बहुत ही प्यारा शांत गांव। चलते रहिए, चलते रहिए, देखते रहिए, बने रहिए। भव्य ग्रीन हाउस, ग्रीन कलर का हाउस मीन्स ग्रीन हाउस, बालाजी हाउस। अति सुंदर, रमणीय, मनमोहक, प्यारा, सुखद, सुंदर, प्यारा शेखावटिया भाई साहब। ये गोपुत्र, गोपुत्र यार देखते हुए भाई क्या हाल है। गोपुत्र नंदी श्वान पुत्र बैठा हुआ है किधर। चलते रहो, चलते रहो, देखते रहो। ये तो बहुत बड़ा गांव है यार, कभी हम इस तरफ तो कभी आए ही नहीं। ये देखिए यहाँ तो, ये प्रिंस में जा रहा था बच्चा एक, और ये जो है इनकी सरकारी स्कूल आ गई है। ये है नेतलवास की श्री विश्वकर्मा बिल्डिंग वर्कशॉप। ये देखिए ऐसे निर्माण होता है गाँव का। उच्च माध्यमिक विद्यालय नेतलवास, ये देखिए बड़ी सारी इसकी जो है बाउंड्री बनाई गई है। चलते रहिए, देखते रहिए और बने रहिए। अनुभव प्राप्त करें डीपीएसपी के साथ में। इधर भी पक्की सड़क अच्छी बनी हुई है। ये एक बच्चा है यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए। सुबह का जीवन। चलते रहो यार, देखते रहो, बने रहो मेरे भाइयों। नेतलवास स्कूल की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है नेतलवास ग्राम के अंदर, ये सड़क आगे करो वो कहीं और जाती है। ये देखिए कीचड़ निस्तारण हेतु शिव मंदिर के एरिया के सामने इंटरलॉक। ये ढाका सदन, ये शिव मंदिर है। जय श्री शिव शंभू। हम यू टर्न करते हैं, शायद कमरपुरा यही सड़क जाएगी। बिल्कुल याद आ गया यार, मैं पहले भी आए थे हम इधर एक बार। चलते रहिए। ये देखिए आप सनलाइट में ग्लो करते हुए डीपीएसपी। अब ये हम अब इधर से आए थे और सीधे चलेंगे वापस इस तरफ। अभी तो आधा गांव ही नहीं हुआ यार, देखते हैं कोई भाई साहब चर्चा करेंगे तो उनसे चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले ये कबूतर जा, कबूतर जा, उड़ गए कबूतर, कबूतर को कबूतर जा कहते ही उड़ गए सब। ये है हमारा सीकर से खा जाते। चलते रहिए। चार
चारों तरफ घूम फिर के हम वापस आ गए। ये वृत्त में बना हुआ है गांव, एक इस गांव के अंदर एक रिंग रोड बनी हुई हुआ। ये तो बड़ा सारा एक बरगद का वृक्ष है, खेल खेल से सीखे। वाह, लक्ष्मी किराना स्टोर, अच्छा बालाजी का मंदिर है ये। अब हमें इधर से आइडिया लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये कहाँ जाएगी, ये होनी चाहिए कंवरपुरा की सड़क, एकीकृत ग्रामीण विकास का क्या है ये, हाँ वाटर टैंक। ब्राइट स्कूल की स्कूल बस, ब्राइट वाली बस आ गई है भैया, ब्राइट बिल्कुल चमकीली स्कूल। ये देखो ये बच्चा एक बड़ा खुश होते हुए, अरे वाह यार बेटा, सुबह सुबह अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रयास। ये चलते रहिए भाई साहब, देखिए पानी की खेली, चलते रहिए वापिस, चलो सही रोड से निकलेंगे। ये देखो भाई साहब ग्रामीण जीवन, ज्यादा ताजगी ज्यादा बचत है बाबू। ये एक और बाबू आ गया, ये बाबू यार जटिल हो सकता है, थोड़ा सा कुरने की कोशिश की थी इसने जटिलता। कुछ गोपुत्र, वाह सा कंवरपुरा तो कह रहे हैं यार 7 किलोमीटर पड़ेगा, फिर उल्टा सीधा हो जाए काम, अपने को इधर से ही रिटर्न करना पड़ेगा, थिंक इट विल बी द बेस्ट पॉलिसी। कोई नहीं चलो देखते हैं। अब मौसम वैसे थोड़ा सा सूदिंग हो गया, न तो ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, धीरे धीरे जो है समय जो है कम होता जाएगा। वाह ये देखिए यार इतनी सारी गायें गो सेवा घर के अंदर ही है, वाह सा ये अच्छा चीज़ है, बहुत प्यारा। ये देखो अरे की सुंदर बरगद का वृक्ष, ये रोटी मिल गई, रोटी मिल गई इसमें रोटी। चलिए इधर तो हम आए ही थे अभी से थोड़ी देर, ये कौन सा गाँव है यार, स्वच्छ ग्राम चरणवास, चरणवास आई। ये क्या हुआ यार, उधर तो हम नेतलवास में घुसे थे, इधर चरणवास में आ गए। ये तो दो गांव है क्या, ठिकाना पड़ेगा किसी से, चलते रहो। ये हो वाह, ये एक प्राचीन भवन देखिए, बड़ा सारा एक, ये रघुनाथ जी का मंदिर व शिव मंदिर, जय हो जय हो जय हो साहब जय हो। ये देखिए पुराने प्राचीन भवन और सुंदर भवन। हेलो बच्चा गुड मॉर्निंग, ये देखिए परिवार बबड़ी परिवार आपका हार्दिक, और बिल्कुल याद आ गया यार पहले भी आए थे हम इधर। इधर वो भाई साहब बैठे उनसे बात करते हैं। चलो 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 नेतड़वास चलो सर, कुछ ग्रामीण हमें मिल गए हैं यहाँ पे, और ये है नेतड़वास ग्राम, नेतड़वास ये नहीं। तो इसके अंदर जो हमारे जो गांव की खासियत है जो हमेशा हमारे वीडियोस में हम बताया करते हैं उसी पे हम आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए ये एक्चुअली में चौक जो ये बनाया बैठने के लिए चबूतरा, इसके ऊपर टीन शेड इसलिए लगाया गया ताकि छाया भी लग जाए, और जैसे पेड़ पे ये तोते का जो घोंसला है क्या यार ये बीट वगैरह करे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आराम भाई साहब ये मुझे बताइए आप, जैसे एक तो मैं अभी इस तरफ से आया इस दिशा से तो उधर चरणवास लिखा हुआ है और ग्राम के अंदर नेतड़वास, तो ये दो गांव है या एक ही है? एक ही गांव है। अच्छा अच्छा नहीं दो है, दो गांव है, दो है। अच्छा पंचायत एक ही होगी कोई, अच्छा अच्छा है मतलब ये एक ही, जैसे रोड के उस तरफ हो गया चरणवास और ऐसे इस प्रकार से। तो आपके गांव की सर कोई खास बात आप बताना चाहो, कोई प्राचीन निर्माण, कोई मंदिर और कुछ ऐसे, रघुनाथ जी का भी मैं देख के आया उधर, शिव जी का मैं देख के आ गया अभी इधर गया था जब, और कोई अच्छी चीज मान लीजिए आपके गांव की, जैसे कोई पुराना निर्माण कार्य है जैसे अभी मान लो ये बहुत कोई कार्य कब्रिस्तान है बहुत पुरानी। अच्छा अच्छा वो भी बहुत पुराना गांव है, पहली को जब से शादी है इनको मरवा तो बहुत दिया। अच्छा अच्छा लालपुरी बढ़िया, क्या था यहाँ पे सर गांव है कुआ। अच्छा हाँ यार देखो ये इनके देखो इन्होंने बिल्कुल दुख बिल्कुल बता दिया, ये है जो कुआ है ना
जो मैं कुएं भी मैं दिखाया करता हूँ कि किस प्रकार से जो है अरे मैं देखे मेरा बरा मेरा वीडियो में से जाने लोग बाग में क्या दिखाऊ दे रहे हूँ। ये यार ये कुआ देखो मुंडेर गायब हो गई। अब क्या है कि अगर हमने जल संरक्षण नहीं किया तो भाई साहब कुछ दिनों में ये चीज़ें भी गायब हो जाएंगी। जल संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी क्या अपने जैसे कई जगह में गांव में गया ना तो जो कुएं वगैरह ना कब्रिस्तान है भाई गांव में से पहले की बहुत अच्छा दो गटन है। अच्छा 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 और ये क्या कोई मतलब पहली है पुरानी पहली की पुरानी हवेली ये अभी उसमें कोई रहता है या कोई अब बताओ यार। ये देखो आप अब ऐसे कहते हैं साहब मतलब हिंदुस्तान में बहुत गरीबी थी। मेरे को तो यूँ लगता है कि जैसे इस तरह की बड़ी बड़ी हवेलियां मैं जब देखता हूँ ये वाली है ना ये वाली इसमें जो रहता था ना ये जिसकी है उसने कभी भी कपड़ा खरीद के नहीं पहना। अच्छा अपने हाथ से बनाता था वो। अरे वाह यार देखो क्या खास मतलब वो सूत काट के उसमें वो सूत वगैरह वाह यार कितनी अच्छी चीज बता रहे भाई साहब। उसका नाम रात था रुग्गारो समझदा सेनानी हो। अच्छा अब कहाँ मतलब ये तो खैर चले इनका परिवार कहाँ यहीं रहता है आसाम यहाँ पे नहीं भोजपुरा की साइड रहते हैं वहाँ। अच्छा खेतों में चले गए ओके 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 बहुत अच्छा है। अभी जैसे गांवों में अब कई जगह तो मैंने देखे जो अपने पुराने कुएं ना उन पे कलर वगैरह करके उनको सुंदर बनाया गया कई जगह पर यहाँ तो मुंडेरी गायब हो गई तो यार क्या इस पे कलर कर पाएंगे अपन। अरे पर देखो कितनी अच्छी चीज थी सुबह सुबह पानी वानी भरने से एक्सरसाइज हो जाती थी उस जमाने में है ना। अब तो मोटर वोटर कर दिए तो मोटर से जो है पानी काटू नहीं सर प्लीज आप प्लीज चाय वगैरह में चलिए सर। ये बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह भी बनाए गए हैं देखिए आप यार सभी जगह है डेवलपमेंट के बारे में सोच तो विकसित हो रही है सभी जगह ऐसा नहीं है कि भाई विकास नहीं है। और जो शांति और प्रेम जो भाईचारा अब भाई साहब ने चाय हमें ऑफर की तो देखिए बड़ा अच्छा सा लगता है यार एक अच्छा अनुभव होता है। हम हिंदुस्तानी है और सभी भाई हैं यार मिलजुल के हमारे देश को बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ मुसलमान हो रहा है हिंदू ही मुसलमान हो रहा हिंदू ही भाईचारा बहुत बढ़िया है। हाँ नहीं यह तो कोई बात ही नहीं होती यार इसका इसका डिफरेंस का कोई मतलब कोई कायदा ही नहीं है कहीं से। बस आज हम आप श्री मुसलमान हवा सब बढ़िया बात है। अच्छा 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 मर गया मरते नहीं ऐसे नहीं मुसलमान मर गया जाते नहीं हम सब लोग जाते हैं। ये आ गया सर प्रिंस अकेडमी सभी जगह डेवलपमेंट है और लोग बाखुश है ओवरऑल। चलिए भैया बहुत बढ़िया। पानी वानी का लेवल कैसा आपके यहाँ वाटर लेवल नहीं जैसे खेती वगैरह के लिए पानी कम हो गया कम हो गया तो एक तो अपने पानी के लिए व्यवस्था अपने को सबको मिलके करनी पड़ेगी यार करना पड़ेगा लास्ट में तो और कोई उपाय नहीं बात है मैं बोलने बोलता मैं कौन सा नहर आता नहर वाला पीना पड़ेगा पानी आपने कटे कटे आ रही है तो बात नहर का नहीं बटन जैसी अलवर में यार बटन हाँ तो पाँच साल में तो बैठे ऐसी आपने कदा ऐसी हो थोड़ा देखना पड़ लो आपने तो कोई ऐसे गंगानगर हनुमानगढ़ डाली आ जाने जद बैठा काम। चलिए सर इसमें मैं देख सकता हूँ कि वैसे कोई है क्या अंदर देखो मैं दो राम जी की बता रहे हो आप है ना ये रुगा राम जी है सर जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इस अब तो इस दुनिया में नहीं है बट इनका देखिए ये जो है ऐसा कहते हैं ये भाई साहब बता रहे हैं कि इन्होंने कभी कपड़े खरीद के नहीं पहने इन्होंने खुद ही इनका जो सूत था ना सूत जिसको अपने कॉटन भी कहते हैं और जो रुई रुई भी कहते हैं उससे उसके उससे ये खुद ही बनाते थे। वाह यार बहुत ही प्यारी बनी हुई देखिए यार ये है यार सुंदरता हमारे सीकर शेखावाटी की देखो आप बड़ी देखो है छोटी सी बट सुंदरता देखो आप इसकी ब्यूटीफुल मज़ा आ गया यार बहुत ही प्यारा अनुभव देखिए ये है। अरे इधर ये भी इनकी थी कोई या अलग थी परिवार की वैसे। अच्छा ये परिवार में ही थे सब नहीं फिर गया इधर कोई नहीं था गंदगी हो जाती है। हाँ नहीं गंदगी तो वो तो फिर वो तो यार, तो कोई करता ऐसे ये लोग भी तो होते ही है ये देखिए सब इनके परिवार वगैरह के थे लोग बाग ये इमा तो रहते थी क्यों कोई या कौन ठेको नहीं कि मन ठेको है ठीक। अच्छा ये भी बेचारे गो सेवक हैं तो इनके भी 10% 20% आजकल टैक्स लगता है तो देखिए भगवान इनको जो है बुद्धि दे और अच्छी चीज है श्रृंखला है सर। और इसके अंदर देखिए बिल लग रहा है इसके ये बिल भी लग रहा है बड़ा सुंदर ये रुघा राम जी की हवेली है भाई साहब आओ आप कभी और देखो इसको नेतड़वास को और चारणवास ये दो ग्राम हैं और एक ही गांव के अंदर है रोड की एक साइड और दूसरी साइड
पर पुराने समय में देखो कैसे कंस्ट्रक्शन करते थे, प्लास्टर तो उतरता ही नहीं था। आजकल तो कलर नहीं करो ना एक साल तो प्लास्टर उतरने लग जाता है। ये है सर। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? रमेश कुमार है मेरा। रमेश जी, रमेश जी ने हमें जानकारी उपलब्ध कराई रोगाराम जी की हवेली की। और बहुत है पुरानी है, इधर बहुत है पुरानी हवेली, बहुत सारी है या एक ही है? दो तीन हवेली है इधर ही। अब यार मैं लेट हो जाऊंगा तो सब घूम। ठीक है तो सब। ये है सर, देखिए भाई साहब कह रहे हैं इधर भी है दो तीन हवेलियाँ, देखो इनको। ये देखिए ये रिया, ये छड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, सब यहीं रह जाती हैं, कुछ नहीं जाता है। ये देखिए यार पड़ी रह जाती हैं चीज़ें, और इनको दे दो यार किसी को, कोई रहने लगे तो साफ सफाई तो हो भाई साहब। लेकिन मैं कोई साथ जाओ ना। चलो ठीक है भाई जी, जय सिया राम। चलो चलो ये है सर। अभी क्या बोल रहा भाई, ये सड़क किधर जाएगी? खान किराना स्टोर। भाई साहब ये वाली सड़क किस तरफ, कौन कौन से कमरपुरा जाएगी की? कितनी दूर होगा भाई साहब यहाँ से कमरपुरा? तो अगर अपने को जैसे सीकर जाना हो तो नजदीक ये रहेगा या ये रबेला रहेगा कासलीगंज? चांदपोल ही नजदीक रहेगा यार, चांदपोल ही जाना। इसमें थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है, फिर आपको सालासर बस स्टैंड से फिर चांदपोल निकलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। इधर भी है क्या गाँव बचा हुआ थोड़ा सा? गाँव में जाके चलिए ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ये है यार आपका, अब ये इन्होंने बताया सालासर स्टैंड वाली तरफ जाती है रोड। ये लो ये भाई साहब आगे विदेश जा रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं। वाह यार भैया, विदेश जा रहे हो या विदेश से आ रहे हो? विदेश जा रहे हैं। वेरी गुड यार, बेस्ट ऑफ लक खान साहब। बस यार थैंक यू। वो चाय ऑफर कर रहे हैं। ये सब्बू गां सेंटर आई एक डोगा भारत रत्न। यूरो यूरो स्कूल माची पूरा कवर पूरा बता रहे हैं। ए हो बाबा साहब की, अरे भाई साहब माजीपुरा इधर से ही निकलेगा क्या? ठीक है भैया थैंक यू। ये देखिए कुछ डब्बे पड़े हुए हैं। हाँ गोपुत्र गोपुत्र नहीं यार भाई साहब, ये नंदी के पिता है। वह सर ये है नंदी, तो छोटे छोटे बेचारे। वाह ये है नेतड़वास गांव, अभी भी देखिए ये बनाया हुआ है भाई साहब। रात्रि विश्राम गृह नहीं है ये, निजी निवास ये बेचारे का किसी का। ये ओवरऑल बड़ा है वैसे गांव तो। ये मारा ना ना ना, एक और घूम रहा है नंदी। मिस्टर गांधी जी कहाँ जा रहे हो भैया? जैक भाई साहब कमरपुरा निकल जाएगी ना इधर से? आराम से आप तो जाइए। थैंक यू। इधर जाऊं या इधर लेफ्ट? अच्छा ये ओके। तो ये था हमारा नेतड़वास ग्राम का टूर, और अब हम यही खत्म करेंगे इसको। ये देखिए नेतड़वास आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बाय बाय नेतड़वास। और कैसा लगा हमारा यह ग्राम का विजिट नेतड़वास चरणवास? और इसको आप विस्तृत रूप से देखें, शुरू से लेके लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालने की हिम्मत जुटाएं। देखिए हो सकता क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं यार, कोशिश करता हूँ आपको अच्छी चीज़ दिखाऊँ। अब यह सड़क जाएगी माजीपुरा कंवरपुरा और वहाँ से फिर सीकर। तो कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साइकिल खरीदें, घूमें फिरें, मजे करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।